कहानी की शुरुआत होती है और हम डेकर्ट शो को देखते हैं, जिसका एक भाई था सो, और उसका पिछले पार्ट में हमने देखा कि हमारा कुछ मामू लोगों ने उसका बैंड बजा दिया है, इसलिए हमारा डेकर्ट शो यानी कि उसका भाई उस पर बहुत ही गुस्सा था क्योंकि वो पिटाई खा के वापिस आ चुका था, और ये यानी कि डेकर्ट शो उन सभी से मामू लोगों से बदला लेना चाहता था। दूसरी ओर हमारा डोम और उसकी गर्लफ्रेंड और बाकी के मामू लोगों को देखते हैं जो फुल ऑन एंजॉय कर रहे थे और अपना टेकर का काम छोड़ चुके थे, लेकिन डेकर्ट शो यहाँ पर चुप बैठने वाला नहीं था क्योंकि वो होप्स के ऑफिस में जाता, होप्स यानी कि वो पुलिस वाला अट्टा कट्टा। वहाँ पर वो जानकारी इकट्ठा करता है कि उसके भाई का ये अंजाम किसने किया, लेकिन तभी वहाँ पर होप्स पहुँच जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी दोस्तों क्योंकि डेकर्ट शो ने पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली थी, और वहाँ पर होती है धमाकेदार वाली फाइटिंग। जरा देखिए एक बार। अभी एक दिन सुहाना दिन था दोस्तों, और हमारा मामू लोग यानी कि डोम और ब्रेन डेली रूटीन की तरह अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन तभी वहां पर अचानक से एक पार्सल पहुंच जाता है और उसमें होता है बम, यानी कि वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है, और हमारा डोम अच्छे से समझ जाता है कि यह मेरे किसी दुश्मन का काम है, इसलिए वो हमारे होप्स से मिलने जाता है, और वहां पर डोम की दिमाग की बत्ती खुल जाती है। हमने जिस शो को मारा उसका भाई यानी कि डेकर्ट शो हमसे बदला लेने के लिए आ चुका है। अब इन सभी बातों के चलते दोस्तों डोम के ऊपर एक और मुसीबत यानी कि एक और लकड़ पड़ चुका था, क्योंकि उसका टीम मेंबर जो कि एक चाइनीज मामू था उसकी डेकर्ट शो ने हत्या कर दी थी, और यह बात जानकर हमारा डोम बहुत ही दुखी हो चुका था, और अभी डोम भी तो के भाई यानी कि डेकर्ट शो से फुल ऑन बदला लेना चाहता था। डोम उसी जगह पर डेकर्ट शो की गाड़ी देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। जब वो टनल में जाता है तो वो देखता है कि डेकर्ट शो भाग नहीं रहा बल्कि वो उसका सामना करना चाहता है, इसीलिए देखिए एक बार ये सीन। अभी दोस्तों वहां पर फाड़ू फाइटिंग हो उससे पहले वहां पर नोबडी का बंदा जो कि एक सरकारी मामू था वो वहां पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर सो वहां से भाग निकलता है, और हमारा नोबडी भाई साहब यानी कि मामू छपरी हमारे डोम को अपने साथ ले चलते हैं कि ये सब फालतूगिरी छोड़ो मेरे साथ। मिस्टर नोबडी हमारे डोम को कहता है कि हमारी एक वैज्ञानिक है जिसे कहीं आतंकवादी लोगों ने किडनैप कर लिया है, क्योंकि मिस्टर नोबडी की वैज्ञानिक ने एक ऐसी चीज बनाई थी जिसके जरिए कोई भी इंसान किसी का भी पता और एग्जैक्ट लोकेशन का पता कर सकता था, इसलिए मिस्टर नोबडी उसे कहते हैं कि तुम और तुम्हारी टीम वो मेरी खुफिया चीज किसी भी तरह से छुड़ा लो, और उस चीज के जरिए तुम डेकर्ट शो को ढूंढ लेना और उसे मार देना, और फिर वो चीज हमारे हवाले कर देना ताकि वो किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए। इसलिए यहाँ पर हमारा दोस्तों डोम भी रेडी था अपनी पूरी टीम के साथ वो चीज हथियाने के लिए। यहाँ पर दोस्तों वैज्ञानिक को किडनेप करने वाले आतंकवादी भी थोड़े चालू चक्री मामू लोग थे, इसीलिए क्योंकि उन सभी के पास कोई आता तो उस डिवाइस के जरिए लोकेशन ट्रैक हो सकती थी, इसीलिए हमारा डोम कुछ अलग ही अंदाज में अपनी कारों को ले चलता है यानी कि पैराशूट के जरिए एक बहुत बड़े प्लेन से नीचे उतारता है, और वहां से वो फुल ऑन तबाही मचाना शुरू कर देता है। जरा देखिए। मिस्टर नोबडी की वैज्ञानिक को तो डोम ने किसी भी तरह से बचा लिया था, लेकिन वो टूटी फूटी बस में हमारा ब्रेन फंस चुका था। अब वो किस तरह से निकलता है वो भी देख लीजिए, क्या सीन है दोस्तों। दूसरी साइड डोम को आतंकवादियों और उसके हेड ने बुरी तरह से एक जगह पर फंसा लिया था, लेकिन हमारा डोम भी काफी चक्रम आदमी था इसलिए वो वहां से भी वैज्ञानिक को लेकर निकल जाता है। जरा देखिए, ये भी देखिए। अभी दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि वैज्ञानिक के उस डिवाइस को चलाने के लिए एक ड्राइव की जरूरत थी जो दुबई में एक माफिया ने अपनी स्पेशियल कार में छुपा कर रखी थी, इसलिए हमारा डोम और उसकी टीम दुबई पहुंच जाती है और बिना कोई पूछताछ किए उस माफिया की गैरकानूनी पार्टी में घुस जाती है। अभी वहां से भी हमारा डोम और उसके छपरी लोग कार को कैसे चुराते हैं वो भी देखिए, क्योंकि दोस्तों मुझे बोलने में मजा नहीं आ रहा है क्योंकि सीन ऐसे है कि मैं बोलूंगा तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। अभी दोस्तों हमारी डोम की टीम के पास वो ड्राइव भी आ चुकी थी और वैज्ञानिक का डिवाइस भी था, इसलिए हमारा नोबडी भाई साहब वो डोम को कहता है कि तू पहले अपना बदला पूरा कर ले साले टकले, और बाद में ये सारा डिवाइस मुझे वापिस कर देना। इसलिए हमारा डोम अभी डेकर्ट शो की तलाश में लग चुका था फुल ऑन में। डोम डेकर्ट शो की लोकेशन निकाल लेता है और अपनी टीम के साथ और मिस्टर नोबडी के बॉडीगार्ड्स के साथ वहां पर फुल ऑन रेड मार देता है।
लेकिन वहां पर दोस्तों डेकर्ट शो के साथ वो बड़ा माफिया भी था, यानी कि आतंकवादी। वो साले वहां पर फुल ऑन अफरा तफरी वाली फाइटिंग मचा देते हैं और फुल ऑन गोलीबारी शुरू कर देते हैं। अभी एक अच्छा सा छोटा मोटा मौका देखकर हमारा डेकर्ट शो वहां से भाग निकलता है और हमारा टकलू डोम अपनी टीम के साथ वापिस आ जाता है। यहाँ पर बुरी खबर यह थी दोस्तों कि डोम अपना बदला तो नहीं ले पाया, लेकिन खाली पीली का वो मिस्टर नोबडी था जो घायल हो चुका था। दोस्तों डोम के पास वो डिवाइस था और उसे अच्छे से पता था कि अभी डेकर्ट शो सिटी में घुस चुका है दुबई के, इसलिए वो अपनी मामू टीम के साथ डेकर्ट शो को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और एक वक्त पर वो डेकर्ट शो साला और डोम के हाथों में भी आ जाता है। अभी उन दोनों की छोटी मोटी फाइटिंग शुरू हो ही रही थी, ऊपर से वो बड़ा माफिया था जो डेकर्ट शो को सपोर्ट कर रहा था, वो भी खाली पीली बीच में उंगली कर रहा था। लेकिन यहाँ पर भी एक धासु सीन आता है, जरा देखिए देखिए एक बार। हमारा डोम डेकर्ट शो को और उस बड़े माफिया को दोनों को वहीं के वहीं निपटा देता है। और यहाँ पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। कैसी लगी मूवी यह कमेंट में बताना जरूर।